आज हम लोग का डिस्कस पॉइंट यही रहेगा, बीएससी फर्स्ट ईयर के ज्योमेट्री पेपर जो हैं उसमें कैसे कन्फोगल कोनिक के जो बीच की डिस्टेंस होती है उसको मेजर कैसे कर लेते हैं। उसके साथ साथ उसी से एक क्वेश्चन और बन जाता है, यदि उनके कोऑर्डिनेट दिए रहते हैं इज ग्रेटर देन लेस देन दैट द कंडीशन, वहाँ पे उस कंडीशन में क्या होता है, इन सब चीज़ों के विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। आप समझना यह है आपको कि जो कॉन्फोगल कोनिक है, कॉन्फोकल कोनिक्स, कॉन्फोगल कोनिक्स जो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या दर्शाता है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू वन, यानी जो इलिप्स का इक्वेशन होता है, इलिप्स का इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू वन। तो डेट मीन्स जो कंडीशन आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो वहाँ पे यदि कोनिक कॉन्फोगल कोनिक है तो वहाँ पे जो हमारे डेट मीन्स जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस उसमें इंक्रीज कर जाए, एक तरह से कह लीजिए प्लस लेमडा यदि हम सपोज कर लेते हैं, उस इलिप्स में आप यही समझ लगाएंगे एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू वन, यही कंडीशन है, इसी पे लेके चलना है, बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो अभी कॉन्फोगल कोनिक के लिए हम इक्वेशन यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कि भाई सपोज करो एक्स स्क्वायर अपान अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बीटा स्क्वायर इक्वल टू वन, ये चीज़ इक्वेशन है। फिर इसी तरह एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ये आपका इलिप्स में यदि हम ले चलते हैं, इलिप्स अर्थात दीर्घवृत्त कहते हैं, तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये है डिस्टेंस बिटवीन कॉन्फोगल कोनिक्स फॉर द पैरेलल लाइन विच इज द फोकी, फोकी के लिए, यानी फोकी के लिए जो इसके बीच की दूरियाँ हैं उस दूरी को हम लेके कवर करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ हो जाएगा हमारा, ये देखिए अल्फा स्क्वायर अपान यहाँ पे जो है ना अल्फा स्क्वायर और ये ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, तो इनकी यदि हम क्या ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का हम डिफरेंस ले लेते हैं, तो डिफरेंस जब लेंगे तो क्या देखने को मिल सकता है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक, यानी पहले इक्वल टू आपका जो दूसरा आ जाएगा। तो दूसरे में यदि हम देखें ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, यदि यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अननोन फंक्शन जो है हमारा माइनस लेमडा सपोज कर लेते हैं, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर है, यदि अल्फा स्क्वायर यहाँ लिख चलते तो ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता, बट ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर को मैं सपोज कर रहा हूँ, क्यों, डिस्टेंस बिटवीन द फोकी टू द पैरेलल लाइन ऑफ ए, ठीक है, कॉनिक के लिए। तो अब ऐसे सेंस में यहाँ पे देखा जाएगा, यदि हम वैल्यू निकालते हैं माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस लेमडा और ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस लेमडा, इसको पहले दो इसको बाद में, अब माइनस माइनस हट गया, रिमूव हो गया एक तरह से। तो सिमिलर बीटा स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस लेमडा, अब ये दो कंडीशन जो हैं ये रिजल्ट हमें जो मिल रहे हैं इसको पुटिंग कर दें हम लोग इसमें इक्वेशन नंबर आपका वन में, ठीक है। देखिए एकदम यहाँ पर तो ऐसे सेंस में यहाँ पर मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर अपान अल्फा स्क्वायर की जगह क्या ले सकते हैं ए स्क्वायर प्लस लेमडा और प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू आपका, ठीक, ये हो गया स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है, कॉन्फोगल कोनिक के लिए। एक बार फिर से समझने का प्रयास करें,
हम ये जानते हैं कॉन्फोगल कॉनिक्स के लिए जो है हमारे वहाँ पे जो कोऑर्डिनेट दिए रहते हैं, अब कोऑर्डिनेट से भी आगे बढ़ जाते हैं तो वहाँ पे क्या रूल रेगुलेशन होते वो तो समझेंगे। पहले यहाँ पे ये समझना है कि जो कॉन्फोगल और कॉनिक है, कॉन्फोगल कॉनिक के बीच की जो फोकी है, फोकी के साथ जो उसकी डिस्टेंस है, फोकी के साथ उसकी जो डिस्टेंस है उसको कवर करने के लिए हम फार्मूला जानते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर अपन अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बीटा स्क्वायर इक्वल टू वन होता है। इसी क्रम में जो है इलिप्स का जो इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ये दो कंडीशन हो गए, दोनों इक्वेशन को हमने लिख दिया। अब बात यहाँ पे ये पड़ेगा कि ऐसे कंडीशन पे यहाँ पर अल्फा स्क्वायर और यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अपन यहाँ पे बीटा स्क्वायर है, तो इन दोनों को देखते हुए जो है यदि ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर किया जाता है तो ऐसे कंडीशन पर यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आ रहे हैं ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर कर रहे हैं, तो ध्यान रहे ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, तो डेयर ऑफ कंडीशन हम यहाँ पे जो वैल्यू ले चल रहे हैं यहाँ पे माइनस हमारा क्या जा रहा है माइनस लेमडा यानी माइनस साथ में लिख चलूंगा, यदि अल्फा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखता तो पॉजिटिव लिख लेता। तब ऐसे कंडीशन पर यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस लेमडा, तो वहाँ से यदि हम अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो माइनस लेमडा और उसके बाद माइनस आपका आपका ए स्क्वायर हो जाता है और माइनस कॉमन लेते हैं तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है आपका ए स्क्वायर प्लस लेमडा होता है। इसी जिस तरह से ये इसको सॉल्व किया इसी तरह आपका सिमिलर जो है बीटा स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है बीटा स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस लेमडा, तो इन दोनों का इक्वेशन यानी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू ले जाकर स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबरों में, यानी एक्स स्क्वायर अपन अब अल्फा के स्क्वायर के जगह क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस लेमडा हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर के जगह अर्थात आपका जो बीटा है तो यानी वहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू वन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये इक्वेशन हो जाता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और उठ जाता है, जैसे कि तमाम बच्चों के माइंड में क्वेश्चन उठेगा कि सर ये तो आपने बता दिया कि कॉन्फोगल कॉनिक की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होंगे एट लास्ट यहाँ तक आ जाएगा, बट सर इसमें यदि पेरीमीटर की बात कर दिया जाए, पेरीमीटर परिमाप की बात कर दिया जाता है तो इस एक्सिस पे परिमाप किया होगा, तो इस एक्सिस पे परिमाप निकालने के लिए क्या किया जाता है, जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन होते हैं वहीं से स्टैंडर्ड इक्वेशन पे जैसे आप जैसे होता है ना परवल है डेट मीन्स पैराबोला के लिए क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन इसका इक्वल टू आपका होता है फोर ए एक्स, फोर ए एक्स ठीक है। तो अब वहाँ पर जो ए है था अभी यहाँ पर क्या हमारा लेमडा है तो यहाँ पर मैंने लेमडा ले लेगा। अब जो यहाँ वहाँ पे एक्स एक्सिस था, एक्स एक्सिस पे जितना हमारा वैल्यू आता था रखते थे, अब यहाँ पे क्या एक्स प्लस लेमडा हो जाएगा, एक्स प्लस लेमडा बिकॉज एक्स इज द नोन फंक्शन विद द डिस्टेंसिंग, जो डिस्टेंस आगे बढ़ रहा है और वहाँ पे एक्स है, दोनों को हमने सम अप कर लिया आ जाएगा। तो सम अप करने से जो रिजल्ट आएगा वो चीजें इफ आर पेरीमीटर, पेरीमीटर के लिए लिख चलेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर जिस तरह प्रकार यहाँ पर होता है फोर ए एक्स, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे फोर, अब ए ऑफ द लेमडा और यहाँ पे एक्स एक्सिस है तो एक्स प्लस लेमडा, ये चीज हो जाएगा यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर लेमडा एक्स प्लस लेमडा, ये पेरीमीटर इक्वेशन के लिए हो जाता है। अब यहाँ से कंडीशन ये हो गया आपका स्टेटमेंट वन के लिए, यदि यहीं से कंडीशन यदि दो आ जाए कि क्या कॉन्फोगल कॉनिक के साथ साथ यदि कोई कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो वहां पे क्या होगा, इफ यहां से कॉन्फोगल कॉनिक्स के लिए इफ इफ कॉन्फोगल कॉनिक्स पर आपके अल्फा और बीटा ये दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो इस दो कोऑर्डिनेट पर क्या आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ये चीजें आपको समझना है, यही आपका मेन है यहाँ पे समझना है क्या होगा। तो हम जानते हैं ना अभी हम लोग पढ़ चुके हैं एक्स स्क्वायर अपान यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस लेमडा और यहाँ पर वाई स्क्वायर और यहाँ पर आपका बी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू आपका, तो देखो बाबू जैसे यहाँ पे ये दो कंडीशन है यहाँ पे एक्स और वाई हो जाता है यही ना होता दो कोऑर्डिनेट, तो दो कोऑर्डिनेट के यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस लेमडा और यहाँ पर हो जाएगा आपका बीटा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू वन ठीक है। अब देखो क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है,
थोड़ा सा ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसमें और इसमें, तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस लैम्डा, और यहाँ पे बीटा स्क्वायर और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू वन, ये हो गया। और उसके बाद इसका इसमें इसका इसमें फिर इसका वन हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ से ऐसे डायरेक्ट होगा ना अल्फा स्क्वायर प्लस लैम्डा और यहाँ पे बीटा स्क्वायर प्लस लैम्डा, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, क्या आता है आपका अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस लैम्डा, और यहाँ पर आपका बीटा स्क्वायर बी ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, और यहाँ पर डेट मीन्स होता है ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, और यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस लैम्डा, ठीक है बी स्क्वायर प्लस लैम्डा, राइट। इस पूरे फंक्शन को ये है इसको ट्रांसफर कर देते हैं और इसको हम एफ लैम्डा के रूप में ले लेते हैं, ठीक है। इस पूरे फंक्शन को ले जाएंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो क्या ले सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा हमारा अल्फा ए स्क्वायर प्लस लैम्डा और यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस लैम्डा एंड प्लस, ठीक है बीटा स्क्वायर और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, ठीक है ऐसे चलो देखते हैं। तो आप समझिए यहाँ पे ये कंडीशन है, और ये टोटल कंडीशन यदि हम जीरो लेते हैं तो यहाँ पे जीरो हो गया, यानी एफ लैम्डा इक्वल टू जीरो। लेकिन लेकिन आप दिमाग ये लगाइए कि ए स्क्वायर प्लस लैम्डा और बी स्क्वायर प्लस लैम्डा है, तो यदि यहाँ पर कंडीशन ले चलते हैं हम कि ए स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो हो तो क्या होगा।